नमस्कार दोस्तों, एक बात हमेशा आपको याद रखनी चाहिए, बोला हुआ शब्द और बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी भी वापस नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि 8 अगस्त दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा, और आपको बता दें कि आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आज आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, और आपका प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है, और इसके साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आप भी अपनी राशि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज सोमवार है, महादेव महाराज का दिन है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है 8 अगस्त 2022 दिन सोमवार। आज की तिथि है एकादशी। आज का नक्षत्र है ज्येष्ठ नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। दोस्तों, आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 5:46 पर, और सूर्यदेव अस्त होंगे 7:07 पर। दोस्तों, आज आपका शुभ समय है 10:13 से 11:47 तक रहने वाला है। अगर दोस्तों आपको कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और इसके साथ ही साथ आज का अशुभ समय है 3:33 से 4:26 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 5, और लकी कलर है लाल और मेहरून। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छा वैवाहिक समय बिता सकते हैं। आपको मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। उतावलापन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और आपको किसी भी काम को करने से पहले उतावलापन बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। यह आपके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, इससे काम भी आपका खराब होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आपके अगर जातकों की व्यवस्था की बात की जाए तो आप अपने निजी कार्यों के लिए समय निकाल ले सकते हैं, और आप दोबारा लिया गया कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय काफ़ी बेहतर साबित होगा। घर के सदस्यों का भी सहयोग और सलाह आपके लिए लाभदायक स्थिति बनाएगा, और आपको सूचना अच्छी मिलने से मन में तनाव और थोड़ी भय की स्थिति भी बन सकती है। राहत पाने के लिए भी कुछ समय में आपको मेडिटेशन जरूर करना है। शांत स्थान पर जाएं, खुद के साथ में थोड़ा समय जरूर व्यतीत करें। दोस्तों, आपको काफ़ी परिस्थितियां संभालनी पड़ सकती हैं। आप जिन गलतियों के बारे में भूल रहे हैं वे आगे चल के बड़ी समस्या का रूप ले सकती हैं। और दोस्तों, किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा आपको ऑफिस में काफ़ी उच्च पद की उन्नति हो सकती है। निवेश करने के लिए समय आपका काफ़ी अनुकूल है। व्यवसाय में आपको अपने काम की क्वालिटी को थोड़ा बेहतर बनाने की आवश्यकता हो सकती है। अगर कार्यक्षेत्र की व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन संबंधित कर लिया जाए तो आपका काम और भी ज़्यादा चल सकता है। दोस्तों, अगर आपकी कोई योजनाएं चल रही हैं तो वो जल्द ही पूर्ण होने से रूप ले रही हैं। प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो आपकी प्रॉपर्टी आज काफ़ी अच्छी रहने वाली है। कहीं आप दूर दराज में कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर होने वाला है। और दोस्तों, आपको बता दें कि व्यर्थ के प्रेम संबंधों में आपको समय व्यर्थ नहीं करना है। शारीरिक और मानसिक सुकून पाने की कोशिश में आप सकारात्मक गतिविधियों को बिल्कुल भी ना भूलें। वर्तमान मौसम से थोड़ा सेहत का ख्याल रखने की आपको आवश्यकता होने वाली है। और दोस्तों, ये दिन आपके प्रतिद्वंदियों के लिए थोड़ा चौंका देने वाला रह सकता है। आपके कार्यस्थल पर आपको अपार सफलता हासिल होने वाली है, फिर वो चाहे पदोन्नति हो या फिर मान सम्मान की प्राप्ति हो। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। आज आप अपना सर्वश्रेष्ठ दिन देने की कोशिश करेंगे, और जिसका परिणाम आपको शाम तक मिल ही जाएगा। किसी नई जगह जाने के लिए थोड़ा प्लान बन सकता है, जिस कारण आपके पिकनिक का प्लान बन सकता है, और आपकी ऊर्जा काफ़ी सही समय पर व्यय होगी। दोस्तों, परिवार के साथ में थोड़ा समय व्यतीत करें। काम के कारण आप उन्हें समय नहीं दे पा रहे थे, इससे रिश्तों में खटास आती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ का ख्याल रखें। इसके साथ ही दोस्तों, समय आज आपके काफ़ी पक्ष में है। प्रकृति आपको
अपनी झोली में भरने के लिए तैयार है, क्योंकि वो आपको एक नया उपहार दे रही है। आपको इन उपलब्धियों का नया उपहार उठाना चाहिए, उपयोग करें। पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी देखभाल रखने की आवश्यकता हो सकती है। आपका योगदान आज काफ़ी बढ़ सकता है। एक शुभ समाचार आपको अपने ससुराल पक्ष की ओर से मिल सकता है, जिससे आपका मन काफ़ी खुश रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। आपको बता दें कि आपके मन में नकारात्मक विचारों का आक्रमण इतना हो सकता है कि आप उससे हताश भी हो सकते हैं। और दोस्तों ये निराशा आपको आपके काम में व्यस्तता का कारण बना देगी। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें कि यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में मुनाफा काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। आप महंगी वस्तुओं को खरीद करके गिफ्ट के रूप में अपनी पत्नी को दे सकते हैं, यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि आज आप नए लोगों से मिल सकते हैं, जो आपको पुराने दिनों की याद दिला सकता है। दोस्तों पुराने दोस्तों से आज मिलन हो सकता है, जो आपको पुराने समय में लेकर जा सकता है। और आपको नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं, जिनसे आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों नौकरी ढूंढ रहे जातकों के लिए आज समय थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है, लेकिन आने वाले अगले 24 घंटे में आपको एक बड़ी खुशखबरी हाथ जरूर लगने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय आज का काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि आज आपको किसी प्रकार का वायरल समस्या उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा और आपको विशेष रूप से ध्यान भी रखना चाहिए। आप अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अपनी दिनचर्या को आप थोड़ा सा सुचारू रूप से चला सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए व्यवस्थित करने की बहुत ज़रूरी होगी। तो आपके लिए एक विशेष उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। स्नान आदि करने के बाद में आपको एक तांबे का सिक्का ले लेना है। उसके बाद में आप उस तांबे के सिक्के को एक काम कर सकते हैं कि आज आप सूर्य देव को समर्पण कर सकते हैं, और आपको सूर्य देव को दल अर्घ देते समय आप उस सिक्के को बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिए। दोस्तों आपको सिर्फ ऐसा करने मात्र से ही भगवान सूर्य देव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो करके आपकी सफलताओं में हिस्सेदारी देंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि एक और उपाय हमने आपके लिए तैयार किया है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि सोमवार के दिन में आप सुबह उठ करके स्नान करने के बाद में गुलहड़ का फूल तोड़ कर लाकर माता रानी के चरणों में चढ़ा दीजिए। दोस्तों वैसे तो आप कमल का फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन आज आपको ये विशेष उपाय करने के लिए गुलहड़ का फूल ही लेकर आना है। अगर आपको वह फूल मुश्किल से मिल रहा है तो आप कोई भी लाल फूल ले सकते हैं, उसे माता रानी के चरणों में और गंगा जल से छिड़कने के बाद में आप वहीं पर ही रख दीजिए। अपनी एक कामना बोलिए, दोस्तों आपकी वो मनोकामना जरूर ही पूरी होगी। और आज आपका दिनचर्या काफी शुभ रहने वाला है। इस उपाय को करके आप अपने जीवन में नए परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा आपसे जय शिव शंकर, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।